بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر علماء کرام و دعات بزرگان قوم و ملت کارکنان اسلامک دعوی سینٹر جلاجل معزز سامعین پروگرام میں شریک عزیز بچوں جمعہ کا مبارک دن مبارک مجلس دینی اور علمی مختلف کمپنیوں سے مؤسسات سے شرکات سے دکانوں اور مکانوں سے پاس پڑوس کی بستیوں سے تشریف لائے ہوئے یہ مبارک چہرے بلا شبہ آپ کے بیچ میں اپنے آپ کو اور وہ بھی بحیثیت مقرر اور خطیب پا کر دل مارے خوشی کے باغ باغ ہو رہا ہے. اس عطائے ربانی پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. ساتھ ہی میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی کوششوں سے جن کی کاوشوں سے یہ حسین مجلس منعقد ہوئی ہے. چاہے وہ اس مکتب کے مدیر ہوں چاہے اس مکتب کے دائی عزیزم اجمل سلمہ باہر سے ہمارے آئے ہوئے رفقا دعات مختلف مکاتب سے تشریف لائے ہوئے بھائی اور دیگر سامعین اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے حلال روزی میں برکت کا سبب بنا دے ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. دینی اور ملی بھائیوں مہینہ حج کا شروع ہو چکا ہے. حج کے اعمال اور افعال کو اگر آپ بغور دیکھیں گے تو ایک عظیم شخصیت دین حنیفی کے سب سے بڑے علمبردار قبیل حق و صداقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا. دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسے موقع پر مناسب جگہ پر کیوں نہ خلیل اللہ کی زندگی کو سیرت و حیات کو موضوع بحث بنایا جائے. قوم درس وہی زندہ رہتی ہیں جو بزرگوں کی سیرت و کردار کو
उनकी खिदमात को उनके आमाल को सजा करके संवार करके रखती हैं और आने वाली नस्लों को उस पर चलने की दावत भी देती हैं। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। खलीलुल्लाह की ज़िंदगी को पढ़ना, उनकी सीरत व किरदार का मुताला करना, मुहैयरुल उकूल जो उनकी ज़िंदगी में वाक़यात पेश आए हैं उनको सीखना, उनकी ज़िंदगी में जो इब्तलाआत और आजमाइशें आई हैं उनसे हमें क्या दरसे हयात मिलता है, उनसे हमें क्या सबक मिलता है, उनसे हमें क्या रहनुमाई मिलती है, उन्हीं का बयान मकसूद है और उसी मकसद के लिए आज की ये मजलिस बपा की गई है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। दीनी भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों की हिदायत और रहबरी के लिए, हम इंसानों को लीड करने के लिए इस दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम को मबूस फरमाया। इन बरगुजीदा हस्तियों में से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 को उलुल आज़म रसूल करार दिया, जिनका जिक्र खुसूसी तौर पर कुरान मजीद में भी आया है। हर बरगुजीदा पैगंबर और रसूल की जिंदगी अपने अपने ज़माने के इंसानों के लिए, उनके मानने वालों के लिए उस्वा और नमूने की हैसियत रखती थी और बाद बुजुर्गों की जिंदगियां कयामत तक की इंसानियत के लिए उस्वा और रहनुमा की हैसियत रखती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन उलुल अज़्म 5 रसूलों की जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने आती है जो शख्सियत बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल मुतमय्यिज़ है, और वो शख्सियत है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। आपकी ज़िंदगी इतनी अहम, आपकी सीरत व किरदार इतनी अहम कि इंसाने कामिल खत्मुर रसूल हादिये बरहक पैगंबर आज़म सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन सैयदुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़िंदगी को कुरान ये इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि ऐ लोगो तुम्हारे लिए आमिना की लाल की ज़िंदगी उसवा है, क़यामत तक आने वाले इंसान आपकी सीरत व हयात को अपनाए बग़ैर अल्लाह की बनाई हुई जन्नत नहीं पा सकते। लेकिन उस रसूल को क़ुरान मजीद के अंदर बार बार मुख्तलिफ उसलूब में अल्लाह तबारक व तआला ये तलकीन करता हुआ नज़र आता है, फ़त्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि ऐ नबी दुनिया के अंदर अगर आपको किसी शख्स को अपना आइडियल, अपने लिए रहनुमा, अपने लिए सैंपल, अपने लिए उदाहरण बनाना है, किसी की ज़िंदगी को अपने लिए, आपको सीरत व किरदार को अपने लिए आइडियल अगर आपको बनाना है तो वो ज़िंदगी किसकी है? खलीलुल्लाह की, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माह, कि ऐ लोगो तुम्हारे लिए इब्राहीम की ज़िंदगी में उसवा है। और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, कि इब्राहीम की ज़िंदगी से एराज, आपके सीरत व हयात से एराज, आपके तरीके से रुगर्दानी वही करेगा जो पागल होगा, जो भटका हुआ होगा हक से। और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला आपके बारे में ये बताता हुआ बयान करता है, तलकीन करता है कि आखिर इब्राहीम की ज़िंदगी क्यों आइडियल है, क्यों नमूना है। इस قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين, कि जब उनके रब ने कहा कि मुकम्मल तौर से इस्लाम ले आओ, ईमान ले आओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कोई मर्जी नहीं रखी, दुनिया नाराज हो नाराज हो उसकी कोई परवाह नहीं की, सबसे कट कर यकसू होकर खालिस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अगर आप पढ़ेंगे क़ुरान मजीद की रोशनी में, सिर्फ अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत व हयात का मुताला करेंगे तो आपके सामने दो बुनियादी चीज़ें आएंगी। पहली बुनियादी बात,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपको ये नजर आएगी कि हर हाल में हक बात को कहना ही कहना है, अलबत्ता उसलूम और लहजा इंतहाई जरीफाना होगा, हकीमाना होगा, सूझ बूझ वाला होगा, लेकिन हक बात से मुकर जाए, हक बात को हर हाल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कही है, लेकिन कहने में आपने उस रूप को अच्छा अपनाया। दूसरी चीज आपको जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक नमूने के तौर पर खुल करके सामने आएगी वो ये चीज आएगी कि हक की दावत देते हुए अगर परेशानियां, आजमाइशें, इब्तिलाआत जिंदगी का हिस्सा बनती हैं तो शिको शिकायत करे बगैर, जजा फजा करे बगैर साबिर व शाकिर रहना है। उस पर हर हाल में अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह का जो फैसला है, उस पर उन्हें राजी रहना है। और यही वजह है मेरे भाई और दोस्तों कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखेंगे तो पता ये चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर उस चीज की कुर्बानी को पेश किया है अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए, जिनकी कुर्बानी का मामला अगर इंसान नहीं अंबिया के सामने आए तो रूह कांप जाती है। उन चीजों की कुर्बानी जो दुनिया में महबूब तरीन चीजें हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों की कुर्बानी अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की है, और उन आजमाइशों से मुस्कुराते हुए गुजर गए हैं जहां जाने के बाद इंसान साबित कदम रहना आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों आइए कुरान मजीद के अंदाज में हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और उनकी इम्तिहानात के बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को आजमाया चंद कलिमात। ये क्या हैं कलिमात? मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ चीजें जिक्र की हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वतन से हिजरत अल्लाह के दीन की सरबलंदी, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए नमरूद की आग में डाले जाने के बावजूद उस पर सब्र और शुक्र के साथ राजी रहना और तरके वतन, बीबी बच्चों की कुर्बानी और उन्हें छोड़ करके फिलिस्तीन की तरफ जाना और मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं। और अगर कुरान मजीद का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि तमाम ये चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं, उनका इनफरादी जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर आया है। और इसीलिए हमने आज का मौजू ही चुना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मिसाली क्यों, अल्लाह ने उन्हें ये मुकाम क्यों दिया, ये मर्तबा, ये रुतबा, उन्हें ये हैसियत क्यों हासिल हुई। मेरे भाई और दोस्तों आइए हम देखना चाहते हैं कि आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कौन कौन सी आजमाइशें थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे पार किया और उससे हमें क्या सबक मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे पहली आजमाइश उनकी अक्ल सलीम की थी, उनकी सूझबूझ की थी, उनकी फितरत की थी, उनकी सलीका मंदी की थी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्जों में फरमाता है, वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन कब्ल व कुन्ना बिही आलमीन, कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूझबूझ की जहां तक बात है, रुश्द की जहां तक बात है, समझदारी की जहां तक बात है, सलीका मंदी की जहां तक बात है, हमने बचपन ही से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूझबूझ दी थी, अक्ल सलीम की दौलत से नवाजा था। और ये अक्ल सलीम की दौलत हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज की तमीज, इम्तियाज पैदा कर लेना, फर्क कर लेना, इसकी समझ अल्लाह तबारक व तआला जिसे दे दे ये बड़ी नेमत है। मेरे भाई और दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम आँख खोलते हैं एक ऐसे माशरे के अंदर, एक ऐसे घराने के अंदर जो घराना, जो माशरा शिर्क और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। बाप आजर सिर्फ बुतों को बनाता ही नहीं था, बुतों को बेचता ही नहीं था, बुतों की मंडी का महंत ही नहीं था, बुतों की पूजा भी करता था। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे मुआशरे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली
जहां शिर्क और कुफर के भेड़िए गुर्राया करते थे, लोमड़ियों और गीदड़ों की पूजा हो रही थी, लेकिन आपका बचपन भी महफूज रहा। और ये क्यों ना होता, अल्लाह तबारक व तआला जिसे आगे चल करके मुकाम नबूवत और रिसालत पर फाइज करता है, उसके बचपन की जिंदगी की भी क्या करता है, हिफाजत करता है। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम की दौलत दे देता है ताकि आगे चल करके जब वो शख्स कहे कि मैं नबी हूँ अल्लाह का, भेजा हुआ पैगंबर हूँ अल्लाह का, रसूल हूँ अल्लाह का, तो कोई शख्स अगुली ना उठा सके उसकी सीरत व हयात पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचपन से दी थी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की पहली आजमाइश थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान खुद गवाही देता है कि वो इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर से कामयाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की दूसरी आजमाइश, दूसरा इम्तिहान मैदान दावत का है, अमली जिंदगी का है, आपकी सबात कदमी का है, आपकी जुरत का है, आपकी जवा मर्दी का है, आपके इस्तेकलाल का है। मैदान दावत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम रखते हैं और दावत की शुरुआत एक ऐसे मुआशरे के अंदर जो मुआशरा कुल्ली तौर से शिर्क और बुतपरस्ती में डूबा हुआ है, आबा और अजदाद का दीन जहां दीन समझा जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे के अंदर दावत तौहीद को फैलाना शुरू किया, दीन की दावत, अल्लाह की तरफ सही माने में पेशानियां झुक जाएं, अल्लाह की बंदगी में लग जाएं, अल्लाह की वहदानियत का क्या माना मफहूम है, तौहीद का क्या हकीकी माना और क्या मतलूब है, उसको समझाना शुरू किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ मैं एक मिनट के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत की शुरुआत कहाँ से की। सबसे पहले जोर आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहाँ हुई? क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज के लोगों की तरह कि जो एक लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, कहा गया कि तालीम बंद कीजिए, चलिए दावत में और ऑस्ट्रेलिया निकल जाइए सीधे, या फला जगह चले जाए, मैं हजरत के साथ अगर किसी का दिल दुख जाए तो मैं उसे एक बार नहीं 10 बार माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आप दावत के मैदान में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप उसवा बनाइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत की शुरुआत कहाँ से की और क्यों ना करते। खुद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है, वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के ऐ नबी अपने अक़रबा को अल्लाह का खौफ, अल्लाह के अज़ाब से बचने की तलकीन कीजिए। और यही तरीक़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था। आपने दावत की शुरुआत अपने बाप से की। आप क्या समझते हैं कि उस मुशरकाना माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क की गलाज़तों गंदगी से महफूज रह गए, बस ऐसे ही बाप ने छोड़ दिया होगा, बाप ने कोई दबाव नहीं डाला होगा, बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटा होने के नाहिये से ये नहीं कहा होगा कि बुतों को ले जाओ मंडी में बेच लाओ? जरूर कहा होगा। जब जवानी के करीब आते हैं, बाप ने कहा कि आओ बेटे, हम तुम्हें आबा और अजदाद के दीन की शान और शौकत दिखलाते हैं और बुतों की अजमत बयान करते हैं और तुम्हारे सामने ये चीज़ पेश करते हैं। लेकिन कुरान मजीद का अंदाज देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने किस तरह से तौहीद की दावत को रखा और बाप की बात को उसका अदब व एहतराम अब रखते हुए किस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जवाब दिया। कुरान मजीद को पढ़िए, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल इब्राहिम लिअबीहि आज़रा अततख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन, कि अब्बू मेरे अब्बा जान, अततख़िज़ु असनामन आलिहा, अपने हाथों से बनाए हुए स्टैचू, अपने हाथों से गढ़े हुए लकड़ियों और मिट्टियों की ये बुत, उनके सामने आस्था के नाम पर, उम्मीद के नाम पर, हाजत बरारी के नाम पर, जरूरत पूरी होने के नाम पर आप हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, अपनी पेशानी को टेकते हैं, चढ़ावा और बताशा उनके सामने पेश करते हैं, और ये तो आपके लिए अब्बू ये क्या फ़ायदा देने वाले हैं, ये खुद नहीं सुनते, ये कोई चीज़ हरकत तक नहीं कर सकते, मक्खियाँ इन पर बैठ जाएं, पैखाना कर दें, पेशाब कर दें जानवर, ये कर रहे उसको हटा नहीं सकते, खाना इनके सामने आप रखते हो इसको खा नहीं सकते, अततख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन, अब्बा मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ, या आबती ला तअबुदिश्शैतान,
ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا یہ طریقہ نہیں ہے, توحید کا نہیں ہے, نجات پانے کا نہیں ہے, یہ تو شیطان نے آپ لوگوں کی عقلوں کو معاف کر دیا ہے. آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہو, نفس کی بندگی کر رہے ہو, آبا اور اجداد کے دین پر چل رہے ہو. آپ اس طریقے کو چھوڑ دیں اور شیطان بھٹکا ہوا ہے, آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا. میرے بھائی اور دوستو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صاف لفظوں میں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ تعبدون, ایسی چیزوں کو پوج رہے ہو جو اپنے ہاتھوں سے آپ بنائے, ستو کا خدا بنائے, خود پیٹ پوجا کریں اور اسی کی پوجا کریں, اسی سے امیدیں, اسی سے حاجت بنائی اور اسی سے ضرورتیں, اسی سے اولاد مانگنا, اسی سے نوکری اور چاکری کی بھیک مانگنا, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور یہ بھی آگے کہا, یا ابتی, اے میرے ابا جان, اللہ نے اس علم سے مجھے نوازا ہے, ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا, میرے پاس اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کی جانب سے پیغام آیا ہے جو آپ کو نہیں. ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے, باپ ہر معاملے میں ٹانگڑا دیتا ہے. باپ کو دیکھیے, میں ان ہمارے باپ سامنے جو لوگ ہیں اکثریت اس میں وہی لوگ ہیں جو باپ کے مرتبے میں ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ہمارے یہاں عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر ہے, باپ جا کر کے وہاں ٹانگ نہیں اڑائے گا, لیکن بیٹا عالم آ کر کے باپ کہے گا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات مانو, یہ باپ دادا کا طریقہ ہے, اس کو چھوڑنے کی ضرورت مت کرو, تم گمراہ ہو رہے ہو. میرے بھائی اور دوستو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا اپنے باپ سے, کیسے سمجھایا تھا اپنے باپ کو, اور کیا بتایا تھا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس, باپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ابا حضور, آپ کے خاندان والے دین کا علم بھی آپ سے زیادہ رکھتے ہو. جتنا بھی پیار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لہجے میں نرمی, سنجیدگی, متانت, سوجھ بوجھ دکھائی, سب کچھ, لیکن مشرک کینہ پرور ہوتا ہے, حتیٰ کہ اگر وہ مشرک باپ بھی ہو تو وہ بھی کینہ پرور ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی انداز سے آپ نے دعوت کو پیش کیا, توحید کی بات کو انہوں نے سمجھایا, لیکن باپ سرکشی پر آمادہ ہے, باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ الجھا ہوا ہے. وہ کیا کہتا ہے, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم تو میرا بیٹا, میرے خون کا, میرا نطفہ, میرے گھر پلا بڑھا, میرا کھایا, میرے ہی بتوں کو برا بھلا کہے گا؟ اراغب انت, باپ دادا کے طریقے سے ہٹے گا؟ میرے ہی معبودوں کی پرستی سے جو منہ چرائے گا, طریقہ بدل لے گا اور ان کی برائی کرے گا؟ سنو, اگر تم سدھر نہ گئے, اپنی اس عادت سے باز نہ آ گئے, اپنی اس روش کو تم نے چھوڑا نہیں, لئن لم تنتہی لارجمنک, پتھر ماروں گا. گھر سے نکلو, فہجرنی ملیا, نکلو, وراثت سے محروم ہو جاؤ, تمہیں کوئی چیز ملنے والی نہیں. یہاں پر میرے بھائی اور دوستو, درس حیات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بیٹے کے لیے. اگر ایک بیٹا یہاں آ کر کے یا کہیں پر جا کر کے اہل توحید کے ساتھ بیٹھ کر کے اسے شرک و بدعت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے, اسے اولیاء پرستی سے نفرت ہو جاتی ہے, اسے بزرگوں کے آستھانوں پر, قبروں, درگاہوں پر جانے کے قباحت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ آخر یہ سوئے ہوئے بت بھی قبروں کے اندر جنہیں بنا لیا گیا ہے, آج جہاں جا کر کے نوکری اور چاکری کی بھیک مانگی جاتی ہے, قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کا سوال کیا جاتا ہے, یہ مشرک نما جو مسلمان آج موجود ہیں, میرے بھائی اور دوستو, یہ جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں, اور اس پر اس کے گھر سے اس کی مخالفت ہوتی ہے, اس کے باپ کی طرف سے اس کی مخالفت ہوتی ہے, اس کے خاندان کی طرف سے اس کی مخالفت ہوتی ہے, تو اسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو دیکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کہہ رہا ہے, لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, باز نہ آئے تو پتھر ماروں گا, وراثت سے محروم کر دوں گا, گھر سے نکل جاؤ. لیکن ابراہیم کا کیا جواب تھا؟ ایک بیٹا جو لائق بیٹا ہوتا ہے, جسے سپوت کہا جا سکتا ہے, جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے, باپ کا ادب و احترام اپنی جگہ پر, آپ ابا حضور ہیں, ہیں, لیکن حق بات کہنی تھی, کہا, لیکن کتنا نرم لہجہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ فرما رہے ہیں سلام علیک, آپ مجھے پتھر مارنے کی بات کہیں, گھر سے نکالیں,
आप अब्बा हुजूर हैं, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको हिदायत दे, आपकी सलामती की हम दुआ करेंगे। बल्कि कुरान मजीद में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम आपके लिए मगफरत की भी दुआ करेंगे। उस वक्त मुशरिक बाप के लिए मगफरत की जो मनाही है शरीयत में, अगर उसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो वो हुक्म नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने रब से हम तुम्हारी मगफरत के लिए क्या करेंगे, दुआ भी करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, बाप का मुकाम और मर्तबा अगर वो मुशरिक भी है तो अखलाक जो होना चाहिए बेटे का बुलंद और आली होना चाहिए, सीरत और किरदार जो उसका होना चाहिए बुलंद और आली होना चाहिए, तामुल उसके साथ इंतहाई संजीदा और सूझबूझ वाला होना चाहिए, फहमो फिरासत के साथ होना चाहिए। ये नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अब्बा अगर पत्थर मारोगे कलाशनकोफ ले आऊंगा, अपने भाइयों को लाओगे जवान हो अकड़ी हुई गर्दन है सबको लाठी से मार करके क्या कर दूंगा, ढेर कर दूंगा। बल्कि हिकमत को उन्होंने अपनाया और सलीके को उन्होंने अपनाया और तरीके को जो नबियों का है वही मेरे भाइयों और दोस्तों हमें भी अपनाना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बाप की तरफ से देखा कि मायूसी का सामना है, बाप मानने वाला नहीं है, तो आज मैं अपने भाइयों को दुआत को भी कहना चाहूँगा, हमारे सामने भी इस तरह की शिकायतें होती हैं कि फला कंपनी में फला एक आदमी है जो बड़ा अनीद है, दुश्मनी पर आमादा है और वहाँ दर्स को ख़राब कर रहा है, कंडम कर रहा है, वहाँ शोशे और हंगामे और फितने पैदा कर रहा है। हमारे पास दुआत हैं जो कहते नहीं दर्स हाल हार में वहीं हम करेंगे। मेरे भाई, मैदान और भी हैं, आप अगर एक जगह फितने के शिकार हो रहे हैं आपकी दावत और मुतासिर हो जाएगी तो आप प्यार से कि भाई ठीक है आप अल्लाह के यहाँ जिम्मेदार हो और भी देखें मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बाप अनीद है, सरकशी की राह अपना रहा है, मायूसी उसकी जानिब से है, तो आप कौम की तरफ मुतवज्जे हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ भी वही उसलूब अपनाया जो सूझबूझ वाला होना चाहिए, इंतहाई हकीमाना होना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम की को मुतवज्जे होते हैं, कौम को दावत तौहीद देते हैं, बुतों की बेसबाती को उनके सामने वाज़े करते हैं कि ये बुत जिनको तुम बनाते हो, जिनको तुम अपने हाथों से गढ़ते हो, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं। कहा मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये स्टैचू जो लकड़ियों के पत्थरों के मिट्टियों के बना रखे हो बाबा दादा के नाम पर और उनकी पूजा करने लगे हो कि ये तुम्हारी मुरादें पूरी कर देते हैं, ये तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, चिमट करके बैठ गए हो, ये ऐसा कुछ करने वाले, तुम्हारे काम आने वाले, तुम्हारी मुश्किल कुशाई करने वाले, तुम्हें नफ़ा पहुंचाने वाले नहीं हैं। तौहीद और है, नफ़ा पहुंचाने वाला इन सब का खालिक है, जो तुम्हारा भी खालिक है, जो तुम्हारे इन झूठे माबूदों का खालिक है, बुतों की बेसबाती को और बुतों की बेवकाती को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस अंदाज से बयान कर रहे हैं। आगे बयान करते हैं उसलूब बदल करके, अतअबुदूना मा तन्हितूना वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, कि कौम के लोगों अतअबुदूना मा तन्हितून, जिसको खुद अपने हाथों से पत्थर की शक्ल में, लकड़ियों की शक्ल में तराशते हो, गढ़ते हो, मिट्टी की शक्ल में वो मुख्तलिफ चीज़ें लगा करके बनाते हो, अतअबुदूना मा तन्हितून, पूजा उन्हीं की करते हो जिनको तुम खुद बनाते हो, जो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते जब तक तुम उन्हें खड़ा ना कर दो और खड़े होने के लिए उनके लिए सपोर्ट ना लगा दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना प्यारा अंदाज है मेरे भाइयों और कितना मुश्किल जवाब है उनके सामने, अतअबुदूना मा तन्हितून, उसलूब और बदलते हैं, आखिरी चोट लगाते हैं कौम के जहनो दिमाग पर ताकि कौम के लोग बात को समझ जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उफ्फिल लकुमा, उफ्फिल लकुम वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, तुफ है तुम्हारी अकलों पर, तुम्हारी अकलें कहाँ चली गई, कहाँ तुम्हारी अकलें मार दी गई हैं, कहते हो कि हम इनकी इबादत इसलिए कर रहे हैं। क्या कहते थे वो कौम के लोग, क्या कहते थे कौम के लोग, कौम के लोगों का क्या जवाब था, जो आज के जमाने का मुशरिक नुमा मुसलमान कहता है, वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हम तो बाप दादा को पाए हैं इन्हीं की इबादत करते हुए, ऐसे ही करते हुए, भाई उनकी बख्शिश हो गई हमारी भी बख्शिश हो जाएगी, भाई इख्तलाफ मत पैदा करो, कौम के अंदर फितरे का सामान मत पैदा करो, ये बातें अपनी आप संभाल करके कहो, ये बातें कहाँ अब्बा बख्शे नहीं जाएंगे, दादा बख्शे नहीं जाएंगे, नए नए तरीके लेकर के तुम कहाँ से चले आए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की
कौम का भी यही जवाब था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम समझने वाली नहीं है, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हारे बुतों के साथ कोई तरकीब करूंगा। तौहीद का ये मतवाला, दिन आता है मेले का, और आज मुसलमानों ने भी अपने दीन को मेले और ठेले का दिन बना दिया है, मजे और मस्ती का दीन बना दिया है। मेरे भाइयों, जो दीन तौहीद इबादत का है, हर हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि खुशी का मौका आए तो सजदे शुक्र बजा लाओ, और मुश्किल की घड़ी आए तो अल्लाह के चौखट पर पेशानी टेक दो, अल्लाह के सामने इबादत के लिए अपने आप को पेश कर दो और जिक्र अस्कार के लिए वक्फ हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को इत्मीनान दिलाओ। हमारे शेख ने बड़ी तफसील से और बड़ी ही कीमती बातें और बड़े ही सुलझे अंदाज से और बड़े ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जो बातें पेश की हैं, यकीन माने उन्हें दरस हयात बनाने के लिए आप और हम सबको जो है लग जाना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं समझाऊंगा, मेले का दिन आता है, कौम के लोग मेले की तरफ रवाना है। बाप इब्राहिम को कहता है आज़र कि चलो तुम्हें हम मेले में बाप दादा के दीन की शौकत दिखाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हकीमाना जवाब दिया, कहा कि मैं बीमार हूँ, या मैं अगर इन बुतों की गंदगी को देखूंगा जो शिप तुम कर रहे हो, झूठ नहीं बोले, तो मैं इन चीजों से मैं बीमार हो जाऊंगा, गोया मेरी तबीयत परेशान हो जाएगी, मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है कि पेशानियां जो अल्लाह के सामने झुकने के लिए, अशरफुल मखलूकात इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को उनके सामने अपने पेशानियों को जाकर के टेक दे। कौम मेले के अंदर चली जाती है, तौहीद का मतवाला, दीन हनीफी का आलमबरदार, बाबिल का मुबल्लिग आजम इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने में घुस जाते हैं, कुल्हाड़ी ले करके इस ठाकुर को तोड़ा, उसकी नाक तोड़ी, किसी को पैर को तोड़ा, किसी को कहीं से तोड़ा, और तोड़ ताड़ करके सबको बड़े बुत के गर्दन में या उसके कान में कुल्हाड़ी को लटका दिया, चले आए बच बचा करके। कौम के लोग मेले से वापस आते हैं, अपने बुतों का हाल देखते हैं, कोई नाक के बल गिरा पड़ा, कोई सर के बल, किसी का सर गायब, किसी का जिस्म का फला हिस्सा गायब। लोगों ने क्या कहा, मन फालहादा बिआलिहतिना इन्नहु मिनज़्ज़ालिमीन, जिसने भी हमारे बुतों के साथ ये हरकत की है वो मुजरिम है बहुत बड़ा। अल्लाह अकबर। कौम इकट्ठा हो जाती है, चेमी गोया होती है, आवाज एक साथ मिलती है कि ऐसे शख्स को पकड़ा जाए और उसे करारे वाकई सजा दी जाए, और उसी में से कोई कहता है फतन यस्कुरुहुम युकालु लहु इब्राहिम, है एक जवान जो हमारे इन बुतों की बुराई किया करता है, हो ना हो उसी ने ये काम किया होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो एक दावत को पेश करने के लिए, तौहीद की बात को जहनों दिमाग में बिठाने के लिए, और इंसान पर बला यही है, अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे दे हिदायत की वही हिदायत पाता है। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर किए गए, सवाल होता मन फाल हादा बिआलिहतिना या इब्राहिम, अरे इब्राहिम बताओ हमारे ये बुतों के साथ गुस्ताखी करने वाला मुजरिम कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्हीं से पूछो ना, वो बड़े से पूछो, कान पे लटकाए हुए होना हो यही मार के तोड़ करके गुस्सा हो गया, और इसने तुम्हारे अपने छोटों ने नाफरमानी की हो, और इनको मार तोड़ करके जो है उसने, बात लंबी होती है, बात लंबी ना हो जाए, और किस्सा बड़ा मशहूर है, आप लोग भी जानते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो लोग कहते हैं तुम खूब जानते हो कि ये बुत बोलते नहीं हैं, ये बुत सुनते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो बुत बोल ना पाए, जो बुत सुन ना पाए, तुम्हारी फरियादों को कैसे सुन लेता है। जो बुत अब तुम्हारी बात को सुन नहीं सकता है कि किसने मारा है, जो तुम्हें बता नहीं सकता है, वो तुम्हारी किस्मतों का हाल तुम्हें कैसे बता देता है। जो तुम्हारी आवाजों को नहीं सुन पाता है, तुम्हारी दुआओं तुम्हारी फरियादों को कैसे सुन लेता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान का अंदाजे बयान देखिए, बात उनके सामने रखी, अकल में उनके बात आई, लेकिन बात आ गई सामने कौम की। इंसान के जब नाक का मसला हो जाता है, मसला दीन का नहीं रह जाता है, तो मुसलमानों में फैली हुई जमातों को देखो, दलाइल सामने होते हैं, मसला हक वाज़े होता है, और साफ लफ्जों में यह कहा जाता है कि भाई दलील तो है, हदीस तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फला वाला हूँ, और मैं अल्लाह अकबर मसलक को
आप फला वाला क्या है, नबी वाला सब है और नबी का फरमान तुम्हारे सामने है, नबी के फरमान वाला तुम्हें हो जाना चाहिए और अपनी बात को, अपनी अपने मसलक को, अपनी सोच को और अपनी फिक्र को क्या मुताबिक, किसके मुताबिक कर लेना चाहिए, दलील के मुताबिक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को समझा दिया, लेकिन कौम के लोगों ने क्या किया, कहा इसको करारे वाकई सजा मिलनी ही मिलनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से भी फारिग होते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुबाहसा होता है, मुनाजरा होता है, बादशाह वक्त के सामने होता है, बादशाह वक्त अना वला गैरी के डंके बजा रहा है, अना रब्बुकुमुल आला है, वो खुदा बनने का खुदाइयत का जुनून उसे है, अपनी अपनी हुकूमत के नशे में चूर है, अपनी ताकत के नशे में, अपने गुरूर में वो टूटा डूबा हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ लाए जाते हैं, उसे तो अक्सरियत की फिक्र थी, अपनी खुदाइयत को बचाना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाकशा होता है, वहाँ भी बहस शुरू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हकीमाना जवाब दिया, किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मसले में उलझाव नहीं पैदा किया, बात जो काम की थी तो टूक कहा, कहा इब्राहिम तुम क्या बखेड़ा कौम के अंदर खड़े हो, कौन है तुम्हारा रब? कहा मेरे रब के बारे में आपको जानकारी चाहिए, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब मौत और जिंदगी का क्या है, मालिक। मुफस्सरीन लिखते हैं इस आयत के ज़िम्न में कि बादशाह ने कहा ये तो मैं भी करता हूँ, और कैद से दो लोगों को बुलाया गया जिन पर कत्ल का हुक्म हो चुका था, और उनमें से एक आदमी को कत्ल करवा दिया बादशाह ने और दूसरे आदमी की जान बख्श दी। कहा देखा इस पर भी कत्ल का फैसला था, इसकी भी गर्दन मारी जाने वाली थी, और मैं भी इंसान को जिंदगी बख्शता हूँ, जिसको चाहूँ मौत दे दूँ और जिसको चाहूँ उसे मौत की मौत से बचा दूँ, उसे जिंदगी इनायत कर दूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अड़ियल है, ये जिद्दी है, ताकत और नशे दौलत के नशे में चूर है, और इसको ढंग से समझाना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम रब हो और तुम मौत और ज़िंदगी देते हो, एक और भी सुनो, फ़इन्नल्लाहयाती बिश्शम्स मिनल मशरिकी फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना दो टूक जवाब दे दिया, कहा अच्छा आपकी बात अपनी जगह पर, लेकिन मेरा एक सवाल बाकी रह गया, इसको भी जरा हल कर दो, कौम वालों को समझा दो, लोग हैं बात, ताकि सबके जहनो दिमाग में उतर जाए। हमारा रब सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में गुरूब करता है, तुम रब हो, तुम खुदा बन बैठे हो, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, तो तुम सूरज को पश्चिम से निकालो और पूरब में डुबा करके दिखाओ। और कुरान कह रहा है हक्का बक्का हो गया, वो बिल्कुल उसके पास कोई जवाब नहीं रह गया, अपनी खिफत को, अपनी खजालत को, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए शरपसंदी पर उतर आया, कौम की आवाज़ में आवाज़ मिलाया, कहा कि जला दो, पकड़ो इसे और लकड़ियां इकट्ठा की जाए, तौहीद के मतवाले को आपके हवाले कर दिया जाए। मेरे भाई और दोस्तों, आज भी समाज और मुआशरे के अंदर, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जहाँ पर अगर आप दलाइल की रोशनी में तौहीद की हकीकत को वाशगाफ कर दें, वाजे कर दें, बिदात को वाजे कर दें कि ये मामला दीन का नहीं है, ये मामला बिदात की फैक्ट्री से पैदा शुदा है, बिदात की नर्सरी से आया है, ये मोहब्बत रसूल के नाम पर गुरु है और ये दीन का हिस्सा नहीं है बल्कि गुमराही है, तो वहाँ बस लाठी का सहारा लिया जाता है, ताकत का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है संभल के रहो, औकात मालूम हो जाएगी, पता चल जाएगा, बल्कि जितनी ताकत होती है लोगों को जेल में बंद कराने की, आपको माली एतबार से नुकसान पहुंचाने की, आपको जिस्मानी एतबार से नुकसान पहुंचाने की, आपके ख़ानदान को, आपके लोगों को परेशान करने की पूरी ताकत, ये अहले बातिल का हमेशा से क्या है, ये सेवा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके हवाले हो रहे हैं और ये इम्तिहान ज़िंदगी का एक और शुरू हो रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, क्या उन्होंने डर, अपने डर के पेशे नजर कहीं हमको जला न दे, हक बात कहने से गुरेज किया, जो कहना था उसको कह दिया, उसलूब बड़ा प्यारा रखा,
اب جو ہونا ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہونا ہے اور اس پر صبر ہے, رضا بالقضا ہے, ہو ہر حال میں راضی, برضا تو مزہ دیکھ. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بندے مومن کا یہی شیوا ہونا چاہیے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دنیا والے ناخوش ہیں, دنیا والے خوش ہیں, اس کی پرواہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے, اس کی ہمیشہ پرواہ ہونی چاہیے آپ کو. اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے, دنیا کے کسی شخص کی محبت آپ کو ملے نہ ملے, لیکن اللہ کی محبت میں کمی واقع نہ ہو جائے, یہی ایک بندے مومن کی کوشش ہونی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو, بات کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں, آگ لگایا جاتا ہے, لکڑیاں شعلہ زن ہو چکی, اس قدر آگ اس ایک انسان کو جلانے کے لیے, جو صرف یہ کہہ رہا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنی قدرت میں, اپنے اختیارات میں, عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, پوجا بھی اسی کی ہونی چاہیے, پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے, یہی اس کا جرم ہے. میرے بھائی اور دوستو, ابراہیم علیہ السلام کی چتا میں آگ لگ جائے, قوم کے لوگ تو منتظر ہی تھے, بادشاہ وقت تو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے وہ انتظار ہی کر رہا تھا, لیکن مشرک باپ, ابراہیم کا باپ آزر بھی لوگوں کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ توحید پرست ابراہیم کی چتا میں آگ لگ جائے تو اس کے سینے کو سکون حاصل ہو جائے. اللہ اکبر, یہ شرک کی غلاظت ہے, گندگی ہے, جب انسان اس میں ڈوبتا ہے تو اس کی سوچ, اس کی عقل معروف ہو جاتی ہے اور وہ ذلت کے کسی راستے پر اور کینہ پروری کے کسی انتہا پر پہنچ جاتا ہے. باپ ہو کر کے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آتما, اس کی روح کو سکون ملے, اس لیے کہ اس کے معبودوں کو, اس کے باپ دادا کے دین کو, اس کے خاندان کے دین کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دلائل کی روشنی میں, حجت کی روشنی میں, نتائج کی روشنی میں, عقل سلیم کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ وہ دین, وہ طریقہ کیا ہے, غلط ہے. میرے بھائی اور دوستو, وہ دن آیا کہ لوگوں نے آگ روشن کی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے. روایات تاریخ اور تفسیر کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ پوری انسانیت پریشان تھی, جن و انس پریشان تھے, اللہ کی دیگر مخلوقات پریشان تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی عافیت اور ان کی صحت کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھیں, لیکن یہ وزغ, جسے بچھی کہتے ہیں, آپ لوگ چھپکلی کہتے ہیں یا اور کوئی نام دے سکتے ہیں, گرگٹ بھی کہا جاتا ہے, وہ پھونک مار رہا تھا. شیطان عقلے دیتا ہے کہ منجنیک بنایا جائے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینک دیا جائے, اس لیے کہ آگ اتنی شعلہ زن تھی کہ اس کے قریب جانے سے پھینکنے والا بھی آگ میں کیا ہو سکتا تھا, جل سکتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ تبارک و تعالی کس طریقے پر کر رہا ہے؟ تفسیری روایات, تاریخی روایات یہاں بتاتی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا, اس کا ذکر کسی صحیح حدیث کے اندر, قرآن کے اندر نہیں ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گویا یہ بات بھی کہی جاتی ہے, اللہ عالم اس کے صدق کے بارے میں, کہ فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر کہیں تو ہم ہوائیں تیز کر دیں یا بارش برسا دیں اور اس آگ کو بجھا دیں یا اس آگ کے ذریعہ انہیں کی بستیوں کو جلا کر خاک کر دیں. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آخر ہو کون؟ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, اللہ کو میرے بارے میں معلومات ہے, ہم اپنے بندے کی حالت کا پتہ ہے. کہا ہاں پتہ ہے. کہا جب پتہ ہے تو مرضی اسی کی ہے, اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ ابراہیم میرا جل جائے تو مجھے جل جانے میں کوئی پریشانی, اور اگر اللہ کو مجھے بچا لینا ہے, آخری درجے کا امتحان کہ یہاں تک امتحان ہو رہا ہے, اٹھائے جا رہے ہیں, اب کہیں آواز نہ لگا دے قوم کے لوگوں, میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میری جان بخش دو. نہیں, ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پریشانی نہیں تھی, اپنے آپ کی پریشانی نہیں تھی, حق کی راہ میں جو بھی مشکل آئے, چاہے جل جائیں, چاہے آپ کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک کیا جائے, حق بات حق ہے اور اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے. ثبات قدمی دیکھیے, سوجھ بوجھ دیکھیے, بالآخر میرے بھائی اور دوستو اللہ کی مدد آتی ہے اور لوگ پھینک دیتے ہیں, لیکن
अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, या नारो कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, आग तेरी खसरत मैंने बनाई है कि तू लोगों को जला देती है, लेकिन आग मेरे इब्राहिम को नहीं जलाएगी, और इतना ठंडा भी नहीं होगी कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंच जाए। आग तू आज मेरे इब्राहिम के लिए परेशानी का बाइस मत बने। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बहिफाजत बसलामत निकल आते हैं। दुनिया हैरान है, परेशान है कि आप इतनी तेज आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सके। जी हाँ, जो अल्लाह के लिए हो जाए अल्लाह उसके लिए हो जाता है। अल्लाह फिर गैब से उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को ज़ाये नहीं करता है। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से नजात पाने के बाद इम्तिहान ख़त्म नहीं हो गया, ज़िंदगी की आजमाइशें ख़त्म नहीं हो गई। दूसरा इम्तिहान आपके सामने है और वो है तर्क वतन, हिजरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम विरासत को छोड़ करके, ख़ानदान की जाह हशमत को छोड़ करके, सब कुछ को छोड़ करके अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए निकल पड़ते हैं। कहाँ जाएंगे? जगह का पता नहीं है। अल्लाह रहनुमाई फरमाएगा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। कौम के लोगों को धमकी दिया कि आग में जलाने की गुस्ताखी की है, ऐसी टीम बनाऊंगा जहां ये जा करके मुख्तलिफ शहरों में बम फोड़ देंगे, इंसानों को तबाह बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी हुकूमत की चोलें हिला दूंगा। ऐसा कुछ तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने टकराव की शक्ल नहीं अपनाई। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को कहा कि ठीक है, अगर तौहीद के लिए ये ज़मीन संगलाख हो चुकी है, तौहीद का शजर यहाँ बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, वतन छोड़ रहा हूँ, यहाँ से वतन को छोड़ रहा हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, वतन की मिट्टी में खुशबू होती है। वतन को छोड़ करके अनजाने में इंसान का जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये करके इंसानी तारीख में, बशरी तारीख में सबसे पहले मुहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये तमगा भी हासिल किया कि सबसे पहले इंसानी तारीख में तर्क वतन किया है इस मकसद के लिए, ताकि अपने अकीदे की हिफाजत की जा सके, ताकि अल्लाह के दीन की सही तालीम लोगों को पहुँचाई जा सके। रवायात तारीख की ये बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले इराक़ के शहर उर से और हारान पहुँचते हैं। वहाँ पर अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाते हैं और वहाँ से होते हुए नाबुलस जाते हैं, नाबुलस से होते हुए फिलिस्तीन आते हैं, फिलिस्तीन से होते हुए मिस्र पहुँचते हैं, और वहाँ पर आप जानते हैं कुरान का अंदाज है और कुरान ने तफसीर की है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी अहलिया सारा थी, और बादशाह वक्त वहाँ पर बड़ा जालिम था, वो दूसरों की बीवियों पर गंद निगाह रखता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर बादशाह तुमसे पूछेगा तो तुम कहना कि मैं इनकी बहन हूँ, यानी इस्लामी रिश्ते से, इसलिए कि किसी की बहन पर गोया उसके माहौल में ये चीज़ रही होगी, बीवी पर गंद निगाह डालता था, और वहाँ पर ये तरीक़ा रहा होगा कि वो किसी की बहन पर भाई की मौजूदगी में ऐसा नहीं करता था। मुख्तसर ये कि वाक़या तफसील है, वाक़या तफसील तलब है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ गए और बादशाह ने हरकत की, हाथ शर हुआ, क्या हुआ तफसीलन, और उसके बाद वहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकलते हैं, हाजरा भी मिलती है। वही बादशाह जो दीन का दुश्मन बन गया था, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजरा को देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर हैं, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं, लोगों को तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन उम्र ढल चुकी है, जवानी की हड्डियां चटक चुकी हैं, ज़रूरत महसूस हो रही है कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए कोई वारिस होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बुढ़ापे में हाथ उठा देते हैं, रब हबली मिन सालिहीन, बोला विरासत नबूवत का कोई ज़िम्मेदार ख़ानदान में पैदा कर दे, मौला कोई ऐसी औलाद दे दे जो आगे चल कर के सही माने में तौहीद की दावत को, उस जिम्मेदारी को सही माने में उठा सके। मेरे भाइयों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में भी औलाद जब तलब की तो किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। औलाद देने का डिपो किसके पास है? नाड़े साहब बाबा के पास, या अजमेरी की दरगाह में, या फलाँ के पास हिजेरी की दरगाह में, या फलाँ चौखट पर? मेरे भाई और दोस्तों, अंबिया की तालीम ये बता रही है
कि मुश्किल के वक्त मांगी जाए अगर दुआ, पुकारा जाए तो किसको, और मुश्किलात को हल करने वाला, किस्मत को बनाने वाला, बेटा और बेटी देने वाला, औलाद में बरकत देने वाला, रोजी में बरकत देने वाला, सेहत और बीमारी का मालिक कौन है? जो सातवें आसमान पर रब है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस्माइल की शक्ल में बुढ़ापे की लाठी खैजा रसीदा चमन में शगुफ्ता फूल अता फरमाया। मेरे भाई और दोस्तों, ज़रा आप संजीदगी के साथ मसले पर गौर करें, देखें कि इधर अल्लाह तबारक व तआला ने नन्हे इस्माइल की शक्ल में लाठी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया और उधर दूसरी आजमाइश उनके सामने शुरू हो गई। हुक्म हो रहा है कि इब्राहिम यहाँ से निकलो, मेमार हरम बनना है तुम्हें, अल्लाह के घर की तामीर करनी है तुम्हें, वहाँ आबाद करना है उस संगलाख वादी को जो वादी गैर जी जरा है, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है, जहाँ पर इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए ना तो हरा दाना है, ना तो हरे दरख्त हैं, ना पीने के लिए पानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये काफिला जो तौहीद परस्तों का काफिला था, छोटा सा काफिला, नन्हे इस्माइल हैं, बीवी हाजरा हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, साथ में सत्तू होगा, खजूर रहे होंगे, चंद लीटर पानी रहे होंगे, उन सबको उठा करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस रेतीली सरजमीन को पार करते हुए तौहीद का ये काफिला रवा दवा। मेरे भाइयों, आज भी उस जगह जहां आप अर्ज़ हरम जिसे कहते हैं, जिसे कोहे सफ़ा आप नाम देते हैं, जहां जाने के बाद आपके दिल की दुनिया बिल्कुल रोशन हो जाती है, वो ज़मीन चमकती हुई जहां आज फलों की रोज़ी मौजूद है, जो बिजलियों और कुमकुमों से मुजयन है, जहां पर फलक बोस इमारतें कायम हैं, आप ये बताइए, लग्जरी गाड़ियों से आप जाते हैं 14 घंटे का, 12 घंटे का, 10 घंटे का सफ़र करने के बाद तो हालत दिगर गुम हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरब की इस तपती हुई रेगिस्तान को कैसे उबूर किया होगा, पता भी नहीं था जाना किधर है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, इसलिए कि मर्जी अल्लाह की थी। मौत आ जाती है रास्ते में तो आने दो, परेशानियां आती हैं तो आने दो, कहाँ स्टॉप होगा, कहाँ खाना खाएंगे, किस मुश्किलात, किन मुश्किलात का सामना करते हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने यह सफ़र तय किया था। उस ज़माने में सर रास्ते नहीं थे। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी पास होते हैं और जाते हैं, थके थकाए पहुंचते हैं कोहे सफ़ा के दामन में, थका हुआ ये काफिला आराम के लिए उतरता है, लेकिन ज़िंदगी का इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ अपने बेटे इस्माइल को, अपनी बीवी वफाशार बीवी हाजरा को छोड़ने के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि यहीं इनको छोड़ दीजिए, अब चलिए अल्लाह के दीन की दावत के लिए फिलिस्तीन की तरफ। अल्लाह अकबर। आज भी हम लोग अपने बाल बच्चों को मजबूत हाथों में, बेहतरीन घरों में छोड़ने के बाद 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब हम रिस्क की तलाश में, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, अपना मुस्तकबिल रोशन हो जाए, हलाल रोजी अपने घर खानदान, अपने माँ बाप को फराहम कर सकें, जब एयरपोर्ट पर आते हैं, जहाज में बैठते हैं, तो दिमाग ठिकाने हो जाता है, होश गुम होते हैं, जबकि इंसान ये जानता है कि मेरे बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़ा है, जहाँ पर खानदान है, जहाँ पर परिवार है, जहाँ पर निगरानी करने वाले लोग हैं, लोग तड़प उठते हैं, खून के आंसू रोते हैं, दिल कांपता है, अंदेशे और तूफान होते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हाजरा, बुढ़ापे की लाठी इस्माइल, नन्हे इस्माइल को छोड़ दिया, अल्लाह का हुक्म चल पड़ते हैं। तारीखी रवायात हैं, इब्ने कसीर वगैरह जिक्र करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चलने लगे तो हाजरा ने पूछा था कि आखिर मेरे सरताज, मेरी फिक्र ना हो, लेकिन ये नन्हा इस्माइल, ये शेरखार बच्चा आखिर किन के हवाले छोड़ के जा रहे? कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का जो हुक्म है। वो भी वफाशार बीवी थी, वो मसाइल समझती थी कि जिस रब ने मेरे शौहर को, मेरे सरताज को आग से महफूज निकाल लिया है, वो रब इन संगलाख वादियों में हमें ज़ाया नहीं करेगा। कहा अगर हुक्म अल्लाह का है तो फिर कोई बात नहीं है, आपको जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है आप चले जाएं, और कुरान का अंदाज़ बयान देखिए। रवायात तारीख ये बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी रास्ते पर निकले जो मुकाम जेहून बोला जाता है, जहाँ पर कब्रस्तान मक्का का है, और वहाँ जब पहाड़ी के दामन में गए, वहाँ जब पहुँचे जहाँ से बीवी और बच्चा नज़र नहीं आता,
वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों को उठाया और दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ क्या है कि तेरे घर के पास अपनी औलाद को बसा रहा हूँ, किस लिए? ताकि वो नमाजी बने। यही एक मुसलमान का सेवा होना चाहिए, यही एक मुसलमान का तरीक़ा होना चाहिए कि वो जब सफ़र करे कहीं बाहर का, तो अपनी औलाद के लिए गायबाने में जब आए तो वो ये दुआ करे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा फला बन जाए। लेकिन साथ ही साथ मेरे भाइयों ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि मौला गायबाने में इनकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मौला इन्हें दीन पर चला, मौला इन्हें इस्तकामत अता फरमा, अरे अल्लाह तो इन्हें तौहीद की सही तालीम दे, अरे अल्लाह इन्हें तौहीद की सही समझ अता फरमा। ये नबी की सुन्नत है मेरे भाइयों, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है मेरे भाइयों। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी वो दुआ किस तरह कबूल हुई? वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, कि मौला अल्लाहु अकबर, उस जमाने में कोई कहे कि अल्लाह इन्हें फलों की दौलत दे, अल्लाह इनकी नस्ल में बरकत दे, यहाँ जो आबादी फैले, यहाँ जो लोग बसें, उन्हें फलों की दौलत मिले। वहाँ पर एक दरख्त का पौधा उगाना उस ज़माने में कारे दारत। क़ुरान मजीद खुद कहता है वादी गैर सी ज़रा, ऐसी ज़मीन जो बंजर हो, ऐसी ज़मीन जो बाज हो, उसमें अल्लाह के खलील ने अपने बच्चों को छोड़ा था, मकसद अल्लाह के घर को आबाद करें। अफसोस की बात है आज मुसलमान मस्जिद में, मस्जिद के दुकान को लेता है किराए पर और वहाँ सीढ़ी चलाता है, किस चीज़ की? अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें तौबे की तौफीक दे, अपने हाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, बात लंबी हो रही है, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है और मैं चेहरों को भी देख रहा हूँ कि शायद उथल पथल होने लगा है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मेरे भाइयों और दोस्तों मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ज़माना लंबा गुजरता है, इस बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फ़िलिस्तीन से आना और जाना कई बार होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के भरोसे पर, तो अल्लाह ने आपके बच्चों को ज़ाये नहीं किया। जाहिर सी बात है उनके पास ना तो उस ज़माने में कोई गाड़ी थी कि दो चार कुंटल सामान लाए होंगे खाने पीने का, या पानी नहीं था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम चंद ही दिनों में पानी जो तोशे की शक्ल में था, खजूरें जो थी, ख़त्म हो गई, माँ की छाती का दूध भी खुश्क हो गया होगा, नन्हे इस्माइल कहीं दम न तोड़ दें। हाजरा परेशान थी, उन्हें इस बात की फिक्र कम थी कि मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरा जीना इसलिए है कि मेरी औलाद, मेरा ये मासूम जिंदा रहे। अल्लाह अकबर, किस सेहतगी के आलम में और किस बेसाख्तगी के आलम में हजरत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई थी ताकि कहीं कोई मिल जाए जाने वाला काफिला, शायद कोई सुराग मिल जाए, कहीं पानी का कोई वजूद मिल जाए जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह की महबूब बंदी की यादा अल्लाह को कितनी पसंद आ गई कि आज हज के आमाल में से है, एक शख्स जब जाता है तवाफ़ के बाद सही कर रहा होता है तो मिलन अज़रैन में दौड़ लगाता है, वही जज्बा रख करके कि मौला रहमत के चंद छींटे हमारे जेबो दामन में आ जाए, हमारे हिस्से में भी आ जाए। वही वजदानी कैफियत आपको पैदा करनी चाहिए। अमल एक औरत का था लेकिन अल्लाह की निगाह में दौड़ भी इतना महबूब हो गई कि आपने देखा कि वो हज का अमल बन गया। मेरे भाई और दोस्तों आप ज़रा बताएं कि पत्थर ताकतवर है या नन्हे इस्माइल की एड़ियाँ। इम्तिहान जब इंसान मजबूती के साथ, सबात कदमी के साथ, इस्तेकामत के साथ जब जम जाता है तो बिलआखिर जब आजमाइश की घड़ी मुकम्मल हो जाती है तो नन्ही एड़ियों से इस्माइल के जमजम जुड़ जाता है। अल्लाह अकबर, आजमाइश पूरी हो गई माँ की भी और आजमाइश पूरी हो गई बाप की भी, और इम्तिहान में पूरे उतरते हैं और ज़िंदगी को बचाना मकसूद है अल्लाह को, इसलिए कि उस नबी की औलाद को आगे चल करके मसनद नबूवत पर बैठना है, नबी अपने बाप नबी के दीन को आगे बढ़ाना है, तौहीद की दावत को आगे बढ़ाना है। मेरे भाई और दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से आते हैं, कई बार आते हैं, हरम की तामीर होती है, हरम को आबाद किया जाता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिलाखिर उस इम्तिहान से दो चार किए जाते हैं जो इम्तिहान इंसानी तारीख में ना उससे पहले कभी देखा गया और ना उसके बाद कभी देखा गया, ऐसा इम्तिहान जिसके बारे में कुरान मजीद खुद कहता है इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, कि ऐ इब्राहिम ये तो खुला हुआ सख्त इम्तिहान था, ऐसा इम्तिहान जहाँ इंसान
जहाँ इंसान क्या अंबिया भी परेशान हो जाए और उनके कदम भी डगमगाते हुए नजर आए। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं फिलिस्तीन से, अरसा गुजार करके वहाँ दावत दीन में, दीन हनीफ की दावत में। आप ये बताइए कि एक बाप तशरीफ लाए, सालों के बाद उसके माँ के जज्बात क्या होंगे, उसके बेटे के जज्बात क्या होंगे। लेकिन वही बाप रात को सोने के बाद सुबह उठता है और अगर बेटे से ये कहता है, मेरे लाल इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर मादा तरा, मेरे लाल मैंने तो आज ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ही अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, कितना शॉट लग जाने वाली बात है। लेकिन अदब देखिए, यहाँ भी सीरत इब्राहिम को आप पढ़िए, अपनी इबादतों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने अखलाक को, अपने आदात को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को, अपनी दावत को, अपने ज़िंदगी के हर मामले को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से नज़रियन करने की कोशिश कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को यूँ नहीं पकड़ा कि ले जा करके उसको ज़बह कर दूँ, बल्कि अदब देखिए, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर मादा तरा, मेरे लाल जवान हो तुम, पुख्तगी उम्र है तुम्हारे यहाँ, मैं नबी हूँ, तुम्हें इसका भी अंदाज़ा है, पता है तुम्हारा बाप नबी है, नबी का ख्वाब नबूवत का हिस्सा है। कोई और शेख चिल्ली ख्वाब देखें और उसको बयान करें और उसकी बुनियाद पर किसी को चोर, किसी को डाकू बताएं, किसी को जन्नत की खुशखबरी दें, मेरे भाई और दोस्तों, ख्वाब ये नबूवत का हिस्सा है, नबी का ख्वाब ये नबूवत का हिस्सा है। आम फर्द बशर का ख्वाब ख्वाब है, उसकी बुनियाद पर कोई शरई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अच्छे लोग ख्वाब देखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर ये बात फरमाई है, लम तबका मिन नबुवा इल्ल अल बशारात فقال الصحابه وما البشارات يا رسول الله فقال الرؤيا صالحه कि नबूवत अब नहीं बाकी है, लेकिन नबूवत का एक हिस्सा बाकी है और वो बिशारात हैं। सहाबा ने जब अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल बिशारात क्या चीज़ हैं, तो कहा सच्चे ख्वाब। तो सच्चा ख्वाब एक नेक इंसान देख सकता है और उसकी बुनियाद पर वो अपने लिए गाइडलाइन मुतय्यन कर सकता है कि मुझे फला गुनाह छोड़ देना चाहिए, यह हमारी ज़िंदगी में गुनाह ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसकी बुनियाद पर किसी को सज़ा दिला दे, उसकी बुनियाद पर कोई हुक्म लगा दे कि फला जन्नती है फला जहन्नमी है, जिस तरह के बाद लोग और बात तंजीमें या बात अफराद दीनी इस तरह का काम करते हैं, मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बात कहीं और ना निकल जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हारी इस सिलसिले में राय क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था, आज का बेटा होता तो कहता, जब बचपना था जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मेरे माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी, कमा करके तुम्हें खिलाना था, तो तब तो तुम जो है गश्त लगा रहे थे इधर से उधर, दीन के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ ठीके लगा कर चिन्ह लगा रहे थे और ना मालूम कहाँ कहाँ प्रोग्राम बना रहे थे। आज जब किसी तरह से ज़िंदगी बच गई है, मेरी माँ ने मुझे पाल दिया है, अब मेरा गला काट करके अल्लाह की कुर्बत लेना चाहते हो। नहीं मेरे भाइयों, बाप में बेटे की सोच में यकसानियत थी, इसलिए कि दोनों को बाप नबी था और बेटा आगे चल करके मसनद नबूवत पर फाइज होने वाला था। ये फैज़ान नज़र थी या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ये हाजरा की तालीम थी, हाजरा की तरबियत थी। जी हाँ, माँ फातिमा होगी, माँ हाजरा होगी, माँ फातिमा होगी तो बेटा हाँ हसन हुसैन जैसा बहादुर होगा, माँ हाजरा होगी तो बेटा इस्माइल जैसा शुजात पसंद जवां मर्द होगा, बाप का मुती और फरमा बरदार होगा, और माँ अगर फला नाम की फला होगी तो बेटा फला और फला होगा, जिसे आप खूब समझते हैं। आगे बढ़िए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के सामने मसला पेश किया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था, कहा इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी मिनश साबिरीन, कि अब्बा हुजूर आप नबी हैं, नबियों का ख्वाब वही का हिस्सा है, अगर बात आपकी होती, मामला आपका ज़ाती होता, तो वहाँ राय देने की बात, सोच और फिक्र और मशवरे की बात होती। अब्बू जब ये हुक्म खुदा का है तो हुक्म खुदा में उसकी तामील में देरी कैसी, चल पड़ता है बाप खून की बेताब प्यासी छुरी को अपने हाथ में लेकर के अपने बेटे को ज़बह करने के लिए, और बेटा चल पड़ता है रज़ाए इलाही की तामील में अपने आप को ज़बह करवाने के लिए।
क्या समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किसी माजरत के साथ किसी कसाई खानदान से था, कोई सख्त जल्लाद किस्म के बाप थे? उनके बारे में तो कुरान कहता है अवाह मुनीब, वो इतने नरम दिल थे कि कौम लूत जैसी बेहया कौम पर अजाब आने की धमकी मिलती है तो उन फरिश्तों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिफारिश करने लगते हैं कि वहाँ तो मेरा भतीजा लूत है, दावत का काम हो रहा है, उस बस्ती को इतना बुरी तरह से अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा, अरे तुम अजाब वहाँ डाल दोगे, ऐसा करो ऐसा करो। उनसे गुजारिश करते हैं कि उनके अजाब को टाल दिया जाए। मेरे भाई और दोस्तों, वही बाप अपने बेटे को कैसे ज़बह कर देगा? दरअसल उस मोहब्बत को ज़बह करना था जो अल्लाह और बेटे की मोहब्बत के दरमियान हायर हो जाती है। आमतौर से इंसान गुनाह के काम, हराम की कमाई, ना मालूम कितने गोरख धंधे बच्चों की खुशी के लिए, बेटों की खुशी के लिए, बीवी की खुशी के लिए वो नहीं चाहता है करना। वो आम हालात में वो गुनाह नहीं करता, लेकिन बीवी का प्रेशर है, बेटे का मुतालबा है, बेटे की ख्वाहिश है, बाप वो गुनाह कर बैठता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला यही सख्त इम्तिहान ले करके ये जांचना चाहता था कि मेरी मोहब्बत का दावा जो तुम इब्राहिम कर रहे हो, इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। इब्राहिम तुम कहते हो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा चढ़ावा, मेरी जिंदगी, मेरा मरना, मेरा जीना, कायनाती निजाम को देखकर, दुनियावी दस्तूर को देखकर, अक्ल सलीम के जरिया, फितरी सूझबूझ के जरिया, उस मुआशरे में, उस समाज में जो शिर्क का मुआशरा था, तुमने उन सब से बच करके ये ऐलान किया था कि तुम हनीफन मुस्लिमा यकसू हो करके, सबसे कट करके मेरे हो चुके हो, सबकी मोहब्बत को तुमने तर्क करके हमारी मोहब्बत को का रास्ता अपनाया है, तो क्या तुम बेटे की मोहब्बत की कुर्बानी दे सकते हो? तुम अपने बेटे को हमारे रास्ते में कुर्बान कर सकते हो? अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी के हाथों बेटे का खून करवा करके तारीख इंसानियत में जल्लाद बाप का नाम नहीं दिलवाना था, उसी मोहब्बत को ज़बह करवाना था। बेटा चल पड़ा है ज़बह होने के लिए, बाप चल पड़ा है बेटे को ज़बह होने करने के लिए, खून की बेताब छुरी हाथों में है। और आप जानते हैं रवायत तारीख ये बताती हैं कि मीना के वादी में जब जाते हैं, शैतान क्या दुनिया हैरत का नज़ारा बन करके देख रही है। शैतान समझदारी के आलम, रवायती तारीख ये बताती हैं कि माकूल इंसान, शरीफ इंसान की शक्ल में आता है हाजरा को और गलाता है, जानती हो मासूम नौनिहाल को जिसको तूने खून जिगर दे करके पाला है, छाती से खून पिलाया है, रातों की नींद को कुर्बान किया है, पूरी जवानी को ढला दिया है उसको संवारने में, उसको लेकर के तुम्हारे सरताज कहाँ गए हैं मालूम है? उसको कुर्बान करने के लिए बेटे से हाथ धो बैठोगी, उसको धुतकार देती हैं और पीछा करता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, पीछा करता है इस्माइल अलैहिस्सलाम का, उनको भी धोखा देने की कोशिश करता है। बनी आदम का दुश्मन है ये शैतान, हमेशा अच्छे शक्लों में आता है, गुनाह को मुजयन करके आता है और उसमें लज्जत पैदा करके इंसानों से गुनाह करके उन्हें भी जहन्नम का हिस्सा बना देना चाहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी उसने भटकाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरी मार दी। आज वो महबूबाना अमल जो इब्राहिम और इस्माइल का था, हज का अमल बन गया। आज जब एक इंसान कंकरी मार रहा होता है, अल्लाहु अकबर, सब ताकतों से बड़ा, सारे बादशाहों से बड़ा, दुनिया की सारी खुदाई से बड़ा कौन है, कौन खुदा है? अल्लाहु अकबर। तो वो कंकरी मेरे भाइयों, ना वहाँ कोई शैतान है, ना वहाँ कोई और चीज़ है, वहाँ एक पत्थर है, बस वो अमल का इजहार है, उसी अहद की तस्दीद है कि मौला ज़िंदगी के जिस मामले में भी, जिस वक्त भी नफ्स का शैतान गुनाह की तरफ हमें दावत देगा, इब्राहिम और इस्माइल बन करके उस शैतान को हम भी कंकरी मार देंगे। गुलामी तेरी नहीं चलेगी, गुलामी हम करेंगे तो रब की होगी, मर्जी चलेगी तो मौला की चलेगी, मोहब्बत अगर हमारे सामने है तो अल्लाह की मोहब्बत रहेगी, हम तेरी सुनने वाले नहीं हैं। आज अमल, उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने हज का अमल बना दिया। कुरान फरमाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, आस्तीन चढ़ा ली, बेटे को लेटा दिया। कैसे लेटाया, रवायत तारीख क्या कहती हैं, वो लंबी दास्तान है, वर्मा बयान करते हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन आप देखिए फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक्तर रुया, ऐ इब्राहिम तुमने जो हमने कहा था वो पूरा कर दिया, बेटे को के गर्दन पर खून की बेताब छुरी को
प्यासी छुरी को रख करके तूने उस मोहब्बत को भी ज़बह कर दिया, और अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ फदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, वहाँ मेढ़ा ज़बह है, बेटा सही सलामत है, वो मोहब्बत ज़बह हो चुकी है। जो मोहब्बत अल्लाह के रास्ते में हायल हो जाती है और अल्लाह की मोहब्बत को दूर कर देती है। मेरे भाई और दोस्तों, आज एक मुसलमान कुर्बानी देता है तो ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की ये सुन्नत है, ये इब्राहिम का तरीका है। एक मामूली जानवर आप जब ज़बह कर रहे होते हैं, आप खून की छुरी को, प्यासी छुरी को जब जानवर के गर्दन पे रखते हैं, तो आपके यहाँ भी वही इब्राहिमी हौसला होना चाहिए कि मौला एक मामूली सा दुम्बा, मामूली सा जानवर जिसको भी ज़बह कर रहा हूँ, अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ, जिसके जरिए से हम खुद खाएंगे, हमारे घर के लोग खाएंगे, गरीबों के घर खुशियों की सौगात भेजेंगे, लेकिन मौला अगर तेरे दीन पर, तेरे दीन के मानने वालों पर कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई वक्त आ गया, तो सिद्दीक बन करके अपनी पूरी जायदाद रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हों, यही इब्राहिम की सीरत बता रही है। मौला अगर तेरे दीन पर, तेरे दीन के मानने वालों पर कोई बुरा दिन आता है, तेरे दीन पर लोगों का हुजूम होता है, हमला होता है, तो उमर फारूक की तरह शमशीर बुर्रा लेकर के, खालिद बिन वलीद की तलवार बन करके मौला उसके और इसकी जिंदगी के दरमियान खलीज पैदा कर दूंगा, यही जज्बा अगर है तो फिर इब्राहिमी सुन्नत, इब्राहिमी सीरत हमारे अंदर जिंदा हो जाएगी। हमने वक्त शायद आपका ज्यादा ले लिया, घड़ी बहुत देर से रखी हुई है, मैं माजरत खा हूँ मुंतजमीन का, और शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने हमारी बातों को सुना। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे दिलों के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत जागुजी कर दे। इलाहल आलमीन हमें उनकी सीरत को उन पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।